चैनल इंट्रोडक्ट गाइड शिवांश भसीन पे। सो गाइस, एक वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ जो है एक पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर, जो कि नाम है आईसीआईसीआई जीआई। गाइस, आईसीआईसीआई जीआई की अगर हम फुल फॉर्म बात करें तो गाइस इसका नाम है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। गाइस, अभी तक अगर हम बात करें तो ये अपने हाई पे चल रही है, लाइक अपने और अपने हाई से ये 4% गिर चुकी है, 4% गिर चुकी है। और इसने एक पर्टिकुलरली अगर हम बात करें असेंडिंग ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट दिया है। अगर आप सिर्फ अगर गूगल पे आईसीआईसीआई जीआई डालते हैं और अगर आप शेयर डाल के न्यूज़ पे जाते हैं तो आप ज़रूर देखेंगे कि हर बंदे ने यहाँ पर आपको बाय की सलाह दी थी, बाय करने के लिए कहा था कि असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है और हम नए हाईज बनते हुए देख सकते हैं, वहाँ से 3-4% की अपमूव आ सकती है। सो गाइज, वो हमने सारे सारे सिनेरियो देखे थे, पर एक्चुअली में वहाँ से वो 4% नीचे गिरा। क्या हुआ और क्या पैटर्न बन रहा था, क्यों हमने आप लोगों को इस पे बाय की सलाह नहीं दी थी, क्योंकि हमें पहले से ही पता था, क्यों ऐसी आई थी तकलीफ, वो हम आपको सारा कुछ बताएंगे। और अब और कितना गिर सकता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या कहती है, क्या टारगेट, क्या लेवल है, बाय करके चलना चाहिए, होल्ड करके चलना चाहिए, या शॉर्ट पोजीशन निकल बनाए या अपनी पोजीशन से निकल जाए। सो इस आईसीआईसीआई जीआई की बात करेंगे और बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ। चार्ट्स में मैंने कुछ पहले से ही बना रखा है, वो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको वो पैटर्न्स के बारे में सिखा चुका हूँ, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। सो बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ और वहां जाके स्टडी करते हैं। गाइस, सो आपके लिए एक लेकर आया हूं मैं बंपर द न्यू ईयर ऑफर। तो गाइस, न्यू ईयर आ चुका, आने वाला है। गाइस, सिर्फ 5 दिन रहते हैं, 5-6 दिन, और नए साल आने वाला है। तो गाइस, हमें किस तरीके से नए साल पे अपनी स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी चाहिए, किस तरीके से हम अपने मनी को अच्छी जगह लगाएं, कौन से स्टॉक्स पे लगाएं जो हमें बहुत ज्यादा रिटर्न दे पाए, और ये जो हमारा 2020 का साल है गाइस, वो बहुत अच्छे से निकले। तो गाइस, उसी के लिए हम आपके लिए लेकर आए बम्पर न्यू ईयर ऑफर, जिसमें हम आप लोगों को स्पेशली जो हमारे क्लाइंट्स होंगे, जिन लोगों को हम कॉल्स या प्रोवाइड कराते हैं, उन लोगों को हम स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें हम आपके साथ महीने में 2 बार स्ट्रैटेजीज की एक वीडियो शेयर करेंगे या एक ऐसा लर्निंग प्रोस्पेक्टस शेयर करेंगे जो आपको फ्यूचर में बहुत अच्छे से काम आएगा। प्लस हम इंटरडे बीटी, एसटी, एसटी बीटी और गाइस स्विंग ट्रेड्स तो देते ही है, प्लस पोजिशनल लॉन्ग टर्म के लिए हम आप लोगों को एडवाइस करते हैं, और किस तरीके से आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है, किस तरीके से उसको कहाँ कहाँ लगाया जाए, कैसे करा जाए। प्लस अगर आप लोग के पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप इंट्राडे पे कितना लगाइए, बीटीएसटी या स्विंग ट्रेड्स कितनी उसमें करिए, सारी चीजें हम आप लोगों को बताते हैं। फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं हम आप लोगों के साथ, और फिर हमारी जो जर्नी है वो अच्छी तरीके से चलती रहती है। गाइस, आप लोग देखते होंगे गाइस, बहुत जगह प्रॉब्लम होगी कि आप देखते होंगे आप लोगों को प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है, पर महीने के एंड में आप हमेशा लॉस या सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ ही निकलते हैं। क्यों होता है? क्योंकि आपको प्रॉफिट मैनेज करना नहीं आता, इसलिए नहीं हो पाता। इसलिए हम आपके साथ हैं और आप लोगों को प्रॉफिट मैनेज करना बताएंगे, कितना विड्रॉ करना है, कब विड्रॉ करना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो ये ऑफर के साथ आप जुड़िए और स्पेशल डिस्काउंट्स इसके साथ आप लोगों को मिले जाएंगे। तो सारी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए गाइस, सिर्फ आप लोगों को हमें कॉन्टैक्ट करना है और हम लोग आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देंगे। गाइस, 1 जनवरी तक ये ऑफर वैलिड है, तो प्लीज साइन अप। और जो लोग को भी क्वेरीज है, ये नंबर आपको शो कर रहा है, आपको मेल आईडी शो कर रही है, जाके आप जहाँ पर हमें फोन करिए और गाइस मेल पे आप हमें सारी क्वेरीज लिख सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। गुड बाय। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने आईसीआईसीआई जीआई का हमने चार्ट ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम सारी चीजें भूल जाइए चार्ट पे, और एक सिर्फ ये जो ब्लू कलर का जो ये चैनल बना हुआ आ रहा है, अब हम इस सिर्फ चैनल में फोकस करेंगे, क्योंकि एक एक चीज लेकर चलेंगे तभी हमें पता चलेगा। गाइस, अब आप ध्यान से देखिए, ये देख सकते हैं कि ये इस पर्टिकुलर चैनल पर का जो हाई है, यहाँ पर एक बार स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस करा, और यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करा हमने देखा, थर्ड टाइम जब इसने इसको ब्रेकआउट दिया तो वहीं पर जब इसने डिप दी तो इसी चैनल पे इसने सपोर्ट लिया। सो हम मान सकते हैं कि ये जो चैनल का अपर साइड है वो एक अच्छे से रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रहा है, और चैनल का हमने डाउन साइड बनाया क्योंकि यहाँ पर जनरली हमें शेडोज ही देखने को मिली है, तो एक बॉडी बनाने के लिए हमने ये चैनल ड्रॉ करी है। सो ये चैनल का महत्वपूर्ण आप समझ गए होंगे कि एक हमें यहाँ पर तो रेजिस्टेंस देखने को मिला, जब ऊपर तोड़ा रेजिस्टेंस को तब हमने यहाँ पर एक सपोर्ट देखने को मिल गया। तो ये है एक पर्टिकुलरली चैनल का काम कर रही थी। तो अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर यहाँ से ये आता है दोबारा तो यहाँ पर इस चैनल के अंदर एक बार ये सपोर्ट ले सकता है। मैं नहीं कह रहा एग्जैक्ट ये यहाँ सपोर्ट लेगा या फिर यहाँ सपोर्ट लेगा, बीच में कहीं पर भी सपोर्ट ले सकता है ये, और वहां से हम एक और अपसाइड देख सकते हैं।
पर गाइस अब आपको मैं एक्सेंडिंग चैनल एसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने बॉटम से एक लाइन ड्रॉ करी थी और एक टॉप से मैंने लाइन ड्रॉ करी थी, जो भी हाइस्ट थे उनकी एक लाइन ड्रॉ बनाई ट्रेंड लाइन और बॉटम से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बुलिश तरीके से ये कैंडल बनी थी, ये 20 दिसंबर की कैंडल है बनी थी और इसने एक यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद अगले दिन इसने यहाँ सपोर्ट लिया और एक और उछाल आई, और उछाल आने के बाद हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली 3 दिन से ये फॉल कर रहा है और अपने दोबारा रेंज के अंदर ये आ चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये रेंज के अंदर दोबारा आ चुका है। सो यहाँ पर लोगों ने बहुत लोग देख सकते हैं कि एक्सपर्ट्स थे जिन लोगों ने भी यहाँ पर अपने एक बाय की सलाह बताई थी और बता रहे थे कि ये 1450 और कम से कम 1500 तक के लेवल तक जा सकता है, जो कि नहीं जा पाया, ये 1450 तक भी नहीं जा पाया था। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ से एक डाउनसाइड और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इस लेवल पे हमने बाय की सलाह नहीं दी, हमने कोई बाय पोजीशन नहीं बनाई। अब हमने जो शॉर्ट पोजीशन बनानी है वो हम बनाएंगे। अब आप देख रहे होंगे गाइज यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर मैंने पैटर्न का नाम लिखा हुआ है जो कि है बियरिश वुल्फ वेव पैटर्न। हाँ गाइज ये एक बियरिश वुल्फ वेव पैटर्न है और ये पैटर्न भी रेयर्स पैटर्न होते हैं और बहुत इस पे सबसे ज़्यादा जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं और जो इंट्राडे पे काम करते हैं, बहुत से लोग जो चार्ट्स देखते हैं जनरली, जो एक चैनल का या फिर एक पैटर्न का ब्रेकआउट देखते हैं, वो ज़्यादातर लोग फंसते हैं। क्यों फंसते हैं? क्योंकि अब मैं अगर एक ट्रेडर हूँ, अगर मैं चार्ट को देख रहा हूँ और मैंने ये ट्रेंड लाइन जो है ये पर्टिकुलरली ट्रेंड लाइन सिर्फ यहाँ तक बना रखी है, सिर्फ यहाँ तक, सो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर देखिए एक ब्रेकआउट देखने को मिल गया। मुझे तो इन कैंडल्स के बारे में पता ही नहीं है गिरी है, हम तो इस वाली कैंडल पे देख रहे हैं। हमने एक ब्रेकआउट देखने को मिला, हमने एक बाय पोजीशन बनाई, हमने बोला कि भाई इसकी जो रेंज आ रही है ये रेंज आ रही है कम से कम अच्छी खासी 100 रुपये या 150 रुपये की रेंज है, तो यहाँ से कम से कम ये 100 से 150 रुपये ऊपर तो जाएगा क्योंकि रेंज के हिसाब से हमने बनाया है। पर गाइस अब आप लोग फंस गए और हमने देखा कि दोबारा रेंज के नीचे आ गया और आपका जो है अब वो लॉस में बदल गया जो आपको प्रॉफिट दिखा रहा था। सो गाइस इसी के हिसाब से कभी भी जब एक रेंज का ब्रेकआउट होता है तो हमने सबसे पहले उस रेंज की स्टडी करनी है कि वो रेंज क्या बता रहा है, उसके हिसाब से हम अपने बाय सेल को चूज करते हैं। तो इसी हिसाब से अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो ये हमें दिखा रहा है कि भाई अब तो ये रेंज के अंदर दोबारा आ चुका है। अब आप देखिए गाइस हमने देखा एक अपमूव आई, ये एक पर्टिकुलरली आईसीआईसीआई जीआई एक अपमूव दिखा रहा था। अपमूव दिखाने के बाद इसने एक हमने देखा एक करेक्शन दिखाया, ये आप देख सकते हैं एक इसने करेक्शन दिखाया। करेक्शन दिखाने के बाद हमने देखा एक दोबारा इसने एक अपमूव दी, अब ये देख सकते हैं कि इसने एक इम्पल्स मूव दी। इम्पल्स मूव देने के बाद ये इम्पल्स मूव को मैं ना गाइस इधर शिफ्ट कर देता हूँ। हाँ, और इम्पल्स मूव देने के बाद हमने देखा एक दोबारा इसमें एक करेक्शन देखने को मिली, जो इसने दोबारा अपनी बॉटम ट्रेंड लाइन को टेस्ट करा। बॉटम ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के बाद हमने देखा कि इसने दोबारा एक अपमूव दी और अपने इस लेवल को जाके ब्रेक कर दिया, जो कि आप देख पा रहे होंगे इस लेवल को जाके ये ब्रेक कर चुकी है गाइस। सो आप देखिए कि एक अच्छी सी अपमूव आई है। अच्छी सी अपमूव कहाँ से आई है? 1150 से लेके ये 1400 रुपए के लेवल तक चला गया, यानी कि गाइस 350 रुपए की इसने मूवमेंट दी है। तो अब आप देखिए गाइस यहाँ से अपमूव आई, एक करेक्शन आया, एक इम्पल्स आया, एक मूव आई, एक करेक्शन मूव आई, एक इम्पल्स मूव आई, और इम्पल्स मूव जो आई उसने ब्रेकआउट दे दिया। और मूव कौन सी है ये इम्पल्स मूव देख सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये देख सकते हैं फिफ्थ पॉइंट पे जाके इसने जब ब्रेकआउट दिया तो हमने वहां पर कोई पोजीशन नहीं लेनी है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि कभी भी आपको फिफ्थ पोजीशन में जाके कभी भी एक आपको नहीं लेनी है और आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना है कोई भी ब्रेकआउट होता है। क्योंकि गाइस अगर आप देखते हैं कि फिफ्थ ब्रेकआउट से ये हमेशा जाके नीचे आता है, कोई बात नहीं, अगर ये यहाँ से नीचे तोड़ देता तो हम शॉर्ट पोजीशन बनाते, या फिर अगर ये यहाँ से ऊपर तोड़ देता तो हम बाय पोजीशन जरूर बनाते। पर ये जो फिफ्थ रैली थी, ये जो फिफ्थ पॉइंट था, फिफ्थ पॉइंट पे हमें कभी भी एक पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, चाहे बाय साइड हो चाहे शॉर्ट साइड हो, क्योंकि अगर वहां से ये अंदर आ जाता अपनी रेंज के अंदर तो बहुत ज्यादा नीचे जा सकता है और वो अपने प्रीवियस जो इसका सपोर्ट था, ये जो रेंज थी, सपोर्ट रेंज थी, उसको भी नीचे तोड़ सकता है। यही वुल्फ वेव का पैटर्न होता है, आप समझ रहे होंगे, वुल्फ वेव यानी कि कितनी तेजी से नीचे जाएगा, वेव की तरीके से पूरी तेजी से नीचे जाएगा। गाइस अगर अब हम इसका एक टारगेट फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो टारगेट अब हम फाइंड करते हैं तो टारगेट हमें क्या सजेस्ट करता है, अब हम उसकी बात करेंगे। सो गाइस ये जो फर्स्ट वेव है और जो फोर्थ वेव है, अगर हम उसको ज्वाइन करते हैं तो हम जनरली जो वुल्फ वेव है उसका टारगेट एक्सपेक्ट होता है इस तरीके से। सॉरी गाइस, सो अब आप देख सकते हैं कि जनरली अगर हम मान के चलते हैं
तो ये यहाँ तक आ सकता है, ये जो अपने इसने गिरावट शुरू करी है, ये गिरावट कम से कम यहाँ तक आ सकती है। और ये जो अगर हमने जब टारगेट बनाया और हमने जब ये रेंज की स्टडी करी, तो हमें पता लग रहा है कि ये जो बियरिश वुल्फ वेव है, ये कम से कम इस रेंज तक आ सकता है और इस रेंज में जाके स्टेबलाइज हो सकता है। ये पैटर्न है गाइस, ये पैटर्न हमें भी टाइम फ्रेम नहीं बताता, टाइम पीरियड नहीं बताता ये कब तक जाएगा, पर हाँ गाइस ये एक पैटर्न कंफर्मेशन पैटर्न होता है और हमें बता देता है कि ये यहाँ तक जा सकता है। अगर अब हम इसके टारगेट्स की फाइंड करते हैं और अगर हम इसके टारगेट के बारे में पता लगाते हैं क्या टारगेट है, क्या स्टॉप लॉस है, तो मैं टारगेट को यहाँ तक तो लेकर चलूंगा, ये डिफरेंस तक का टारगेट। सो हम उसके बारे में बात करते हैं और एक टारगेट और एक स्टॉप लॉस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सो सबसे आप देखिए कि यहाँ से पर्टिकुलरली इसने जो एक फॉल दिखाई है यहाँ तक दिखा दिया है, ये आप जैसा कि देख सकते हैं। अब हम इसके एक टारगेट एक स्टॉप लॉस फाइंड करेंगे और देखेंगे, स्टडी करेंगे किस तरीके से इसका क्या टारगेट है, क्या स्टॉप लॉस है, और ये ऑटोमेटिकली सिग्नल दे देता है। सो हमने शॉर्ट करना है इस लेवल पे और हमारा जो टारगेट स्टॉप लॉस होगा, सबसे पहले बात करें जो स्टॉप लॉस है, जो इसका हाई है, इसका हाई के थोड़ा सा ऊपर हम एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। इसका 1440 का हाई है तो हम 1455 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रख देते हैं, जो कि हमने मेंटेन कर दिया। अगर हम स्टॉप टारगेट की बात करें तो सबसे पहला टारगेट जो हमारा होगा, वो सबसे पहला टारगेट होगा ये रेंज होगी, जो ये रेंज है ना, इस रेंज का हमारा पहला टारगेट है। और जो दूसरा टारगेट होगा गाइज, वो दूसरा टारगेट होगा अराउंड इस लेवल पे, जो कि आप देख सकते हैं। आप जैसे कि मैं आपको एक बार और दोबारा दिखा देता हूँ कि ये हमारा पहला टारगेट है। मैं से और डार्क कर देता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। या गाइज, ये हमारा स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस हमारा कितने रुपीज का है? 60 रुपीज का हमारा स्टॉप लॉस है और हमारा जो टारगेट है वो 140 रुपीज का है। हम बॉटम लेकर ही नहीं चलते, हम अपसाइड लेकर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सो भी हम कह रहे हैं कि 110 रुपये का टारगेट है और 60 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस है। सो यानी कि 1:2 का रेशियो हमें प्रॉबली देखने को मिल रहा है और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ तक इसमें मूवमेंट दिखा सकता है। अब दूसरी बात, अगर मैं इसे जूम आउट करता हूँ और एक बॉटम से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने लगता हूँ, कि सारे बॉटम्स को बना के एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो गाइस अब आप दोबारा देख सकते हैं कि ये यहाँ तक आ सकता है और दोबारा अपने इस लाइन पर आ सकता है। अगर हम सारे ट्रेंड लाइन बेसिस पे, पैटर्न बेसिस पे, सारी चीजों के बेसिस पे अगर हम एक एजम्पशन निकाल के चले, तो अभी भी गिरावट डाउनसाइड बहुत अच्छी खासी है। और अगर मैं बात करके चलूँ कि ये जो 1390 रुपये में काम कर रहा है, और अगर मैं इसका लोअर लेवल देखता हूँ, तो 1290 यानी कि 100 रुपये से कम ये 1280 से लेके 1250 तक ये जा सकता है। अभी भी आप इसे शॉर्ट पोजिशन बनाना चाहे तो बना सकते हैं। कल अगर आपको थोड़ी बहुत डिप मिलती है, थोड़ी बहुत अपसाइड मिलती है, अगर मैं इसे अर्ली चार्ट में लेकर जाना चाहूँ, और मैं अर्ली चार्ट पे एक बार लेकर जाता हूँ और आपको अर्ली चार्ट पे दिखाता हूँ कि किस तरीके से क्या बन रहा है। हाँ गाइस, आप देख सकते हैं कि दोबारा एक बार ऊपर जाता है और अपनी रेजिस्टेंस को छू के नीचे आता है, और नीचे आने के बाद मैं एक सेकेंड आपको और अच्छे से जूम करके दिखाता हूँ। एक सेकेंड गाइस, अब आपको किस तरीके से उस पर अपनी प्लानिंग करनी है वो मैं आपको बताता हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा जी गाइस। देखिए इसने जो क्लोजिंग दिया है, वो क्लोजिंग दिया अराउंड इस लेवल पे। अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और अगर हम इस बॉटम का एक ट्रेंड लाइन लेते हैं, एक सपोर्ट ढूंढते हैं, तो ये सपोर्ट निकल के आ रहा है। ठीक है गाइस, अब हमें करना क्या है, कल के दिन अगर ये दोबारा ऊपर जाता है और अपने इस ट्रेंड लाइन पे आता है 3094 पे, तो रिस्की ट्रेडर्स हैं वो एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। पर जो सेफ ट्रेडर्स हैं उनके लिए क्या होगा, जब वो वहां से छू के रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे आता है और ये जो इसने सपोर्ट लाइन बना रखी है, सपोर्ट लाइन को तोड़ता है, जो कि सपोर्ट लाइन आ रही है अराउंड 1382 पे, तो 1382 का लेवल तोड़ता है, तो हम एक शॉर्ट पोजीशन बना लेंगे और वहां से हम जो भी लेवल्स हैं उसको करते रहेंगे। और हल्के हल्के जैसी जैसी नीचे आते रहेगा, हम अपनी कुछ कुछ परसेंट प्रॉफिट को बुक करते रहेंगे, कि हमें ये ना हो कि नीचे गया और अचानक से उसने एक अपमूव दे दी है। हम हल्के हल्के जितनी डाउनसाइड दिखाता है, अगर 1% की डाउनसाइड दिखाता है या कुछ पॉइंट परसेंट की डाउनसाइड दिखाता है, तो हम अपने कुछ परसेंट प्रॉफिट को बुक करते रहेंगे। उससे होगा ये कि हमारा जो प्रॉफिट है वो सेफ रहेगा, और गलती से भी वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो हमारी आधी पोजीशन निकल चुकी होगी। सो गाइस, इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि अगले स्टॉक के ऊपर कौन सी लेकर आऊँ मैं, क्या टेक्निकल्स है, ये बुलिश और बियरिश वुल्फ वेव पैटर्न के बारे में थोड़ी स्टडी करिए, और कोई भी चार्ट में बनता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, और बताइए कि जो ऐसी आपके लिए मोटिवेशन वीडियोस हम लेकर आ रहे हैं, ऐसे
बढ़िया से वीडियोस लेकर आते हैं, वो आपको कैसी लगती है? गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, यहाँ पर आपको आइकन दिख रहा होगा यूट्यूब का, क्लिक करके यहाँ पर सब्सक्राइब को आप बटन को दबा सकते हैं। गाइस दूसरी बात, यहाँ पर आपको एक वीडियो शो कर रही है, वीडियो है गाइस, हम एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जो है सेक्टर एनालिसिस विद शिवांश भसीन। सो गाइस उसको जाके जरूर देखिए। एक सेक्टर हमने सबसे पहला चूज करा है जो कि ऑयल एंड गैस है, और ऑयल एंड गैस में कम से कम 20 स्टॉक्स आते हैं। सो 20 स्टॉक्स में से चुन के हम 5 स्टॉक्स आपके लिए लेकर आएंगे, या कुछ 3-4 स्टॉक्स लेकर आएंगे जो कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म पे आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकता है, और क्या वो बताने की कोशिश कर रहा है। पहली वीडियो आ चुकी है, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन के ऊपर स्टॉक है, बाय कर सकते हैं, अभी 80-90 रुपए के आसपास चल रहा है और बहुत ज्यादा अपसाइड है। जाके वॉच करिए, वीडियो आपको यहाँ शो कर रही है, जाके वॉच करिए गाइस। उस वीडियो को भी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और इसी के साथ मैं आपके साथ मिलते रहूंगा। सो मैं शिवांश भसीन मिलता हूँ आपसे कल अगली वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।